So hello traders, welcome back to my new video. And today in this video we are going to talk about MSTC share. Okay, MSTC share पहले हम लोग बात करते हैं किसमें डील करता है. ये मेनली इंटरनेट के इंटरनेट जो होता है हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं नेट डेटा उसमें उस चीजों में डील करता है. ओके, रिटेल ट्रेड्स में भी डील करता है, इन सब चीजों में ये शेयर डीलिंग करता है. अगर आप लोग देखें ये शेयर आज के टाइम पर अभी बहुत ही अच्छे हायर प्राइस बैंड पे चल रहा है और बहुत सारे रिटेलर्स इसको क्या सोच रहे हैं कि देखो शेयर यहाँ पे कुछ दिन पहले तक 250 रुपए के पास था और अगर आप लोग आज देखें तो ये 450 रुपए आसपास पहुंच चुका है. मतलब कि करेक्ट 100% का वन गो में मोमेंटम दे चुका है. ठीक, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब ये 450 का शेयर 500-600 भी पहुंचने वाला है, तो क्या अभी ये राइट टाइम है बाय करने का या फिर नहीं. ओके, या वेट करना चाहिए हम लोग को. तो पूरी बात बताने वाले हैं आप लोग को हम लोग इस वीडियो में. बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग. वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहले आ चुके हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा चार्ट को जूम आउट करते ताकि आप लोग को थोड़ा बड़े व्यू में बड़ा वाइडर रेंज में व्यू दिखे. ठीक, वाइडर रेंज अगर आप लोग देखना चाहें चार्ट में, देखिए थोड़ा ये मैंने क्वालिटी अपने फोन की इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आपको कैंडल सही से समझ में आए, वरना आप लोग कैंडल्स देखने में प्रॉब्लम हो सकती है. देखिए अगर आप लोग देखें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही, रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ये हम लोग का, जो कि देखिए वन एंड सेकेंड टाइम एंड अगेन थर्ड टाइम तीन तीन बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने रजिस्टर किया. मार्केट जैसे यहाँ पे आता तो सेलर्स आ गए, देखो मार्केट ने यहाँ गया वापस सेलर से नीचे भेज दिया, वापस मार्केट गया वापस सेलर से नीचे भेजा, वापस गया वापस सेलर्स में हावी हो गए मार्केट पे. सो मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन से इस प्राइस पॉइंट से 383 रुपीज के पास से बार बार इसको नीचे भेज रहे थे, बट अब की बारी बायर से पावर दिखाई और वन गो में इसको ब्रेकआउट दे दिया है और अभी भी अपसाइड उसके सस्टेन कर रहा है. देखिए चलो ये तो बात हो गई, ब्रेकआउट हो चुका है, बट अब हम लोग को क्या करना चाहिए, फायदा कैसे उठाएंगे हम लोग इसका, वेट करना चाहिए या हम लोग को धक्का पेल एंट्री कर लेनी चाहिए. ठीक, तो देखो अगर आप लोग देखें यहाँ पे थोड़ा सा अबव एरिया में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस एरिया है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है. अब मैं आपको चार्ट में जूम इन करके दिखाता हूँ, करंटली जो करंट प्राइस चल रहा है वहां पे दिखाता हूँ. देखो जो अबव साइड की ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया है कि नहीं लिया, देख सकते हैं आप लोग एग्जैक्टली. अब सब लोग कहेंगे हाँ भाई लिया है सपोर्ट, तो यही रीजन है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जा तो रहा है. बट अगर आप लोग रिटेलर्स की थिंकिंग से सोचे, रिटेलर्स क्या सोचते हैं, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है अब मार्केट अपसाइड जा रहा है. बट ऑपरेटर्स क्या सोचते हैं, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पैसा कौन बनाता है, रिटेलर्स नहीं बनाते हैं पैसा ज्यादा, पैसा कौन ज्यादा बनाता है, ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स की थिंकिंग क्या है, वो थोड़े प्राइस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर. तो देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का अगर रूल देखें, मार्केट देखिए बार बार यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स यहाँ पे बना चुका है और ये 6 की 6 कैंडल्स में देख सकते हैं आप लोगों ने बार बार अबव साइड से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है मार्केट में. ठीक, बार बार मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है बट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अपसाइड से. ओके, और कैंडल्स भी बहुत ही छोटी छोटी बन रही है. तो ये क्या क्लियर कट टू कट हम लोग को क्या शो करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है. ओके, मार्केट में पंगे मत लो, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज मार्केट के पास इतनी पावर है नहीं अभी कि वो वापस से ऊपर जा पाए. बिकॉज देखो कोई भी गाड़ी है, अगर आप लोग कार है, आप लोग उसमें एक बार फ्यूल टैंक फुल करा दिया है उसके बाद उसको ले जा रहे हो, ठीक, अपसाइड ले जाओ, मोमेंटम आपने कार का चलाया. ओके, तो एक टाइम बाद में कार का भी फ्यूल खत्म होने लगता है, वैसे मार्केट है, मार्केट ने यहाँ पे पावर भर दी बड़े प्लेयर्स ने, बट यहाँ पे मार्केट देखो चलती गई मार्केट की पावर खत्म होने पे आ रही, मार्केट की पावर लो होती जा रही है. सो यहाँ पे इसी वजह से मार्केट को वेट करो, मार्केट को टाइम दो, रिफ्यूलिंग का टाइम दो. कार को भी रिफ्यूल करते हो तो उसमें भी पेट्रोल पंप पे भरते हो तो वहां पे भी टाइम लगता है, 5 to 10 मिनट्स लगते हैं आपको फुल टैंक कराने के लिए. ओके, वैसे अगर मार्केट आप फिर से चाहते हो कि मार्केट वापस एक बूम करे तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा टाइम दो, मार्केट को टाइम दो ताकि मार्केट अपना रिफ्यूल करे उसके बाद बूम करे. तो अभी हम लोग को क्या करना है, वेट करना है, इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं करनी है. तो अगर आप लोगों ने फ्रेश एंट्री पहले से करके रखी तो यहाँ पे आप लोग पार्ट प्रॉफिट बुक करके करिए, आप लोग का अच्छा खासा अगर प्रॉफिट चल रहा है तो आधा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए, आधी क्वांटिटी आप लोग ऐसे छोड़ दीजिए अपना स्टॉप लॉस लगा के. स्टॉप लॉस लेवल क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस आपका 338 रुपीज का रहने वाला है फॉर स्विंग ट्रेडर्स. ओके, जो लोग थोड़ा पावर रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड करने के लिए उनका 383 रुपीज का स्टॉप लॉस रहना चाहिए. ओके, और बड़े टारगेट्स के लिए आप लोग 500 के टारगेट्स रख सकते हैं. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, मिलते हैं आप लोग से बहुत ही जल्द अपनी एक और मजेदार नेक्स्ट वीडियो में.
उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें ताकि आपको डेली ऐसे कंटेंट और वीडियोस मिलते रहें।